गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनएसएस यूनिट और कासवा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मालेवाड़ा चौक नागपुर में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस यह भारत की हर नागरिक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन इस दिन बहुत से युवा रास्ते पर तेज रफ्तार से बाइक चलाकर हुड़दंग मचाते फिरते हैं। इस विषय के महत्व को जानते हुए सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एनएसएस यूनिट और कासवा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मानेवाड़ा चौक में रोड सेफ्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। यूँ तो गणतंत्र दिन हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल गणतंत्र दिवस के साथ में सुरक्षा रास्ता सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है, और इस पहल को देखते हुए सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की ओर से एक बेहतरीन पहल की गई है। रास्तों रास्तों पर ये पथनाट्य कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की गंभीरता रही है हम जानते हैं सर्वोदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और आपके पूरे छात्रों का अभिनंदन, आपके पूरे टीम का अभिनंदन। एक बेहतर उत्कृष्ट आपने नमूना यहाँ पर भेज दिया, क्या भूमिका रही है सर? सबसे पहले एनएसएस यूनिट सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तरफ से मैं आपको रिपब्लिक डे की सबको शुभेच्छा देता हूँ। सर, आपको नागपुर एक स्मार्ट सिटी है, और इसका स्मार्टनेस जब अपने एक्सीडेंट कम से कम हो या नहीं के बराबर हो, ये सबसे बड़ी संकल्पना उसमें इम्पोर्टेंस लाती है। एनएसएस यूनिट की तरफ से ये वाला कार्यक्रम हमने जन जागृति सप्ताह के तरफ से हम नागपुर में चालू कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यानी ट्रैफिक रूल, जो भी लोग उसको पालन नहीं करते हैं या उसका नियम का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी मोबाइल हर लड़का लड़की लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें मोबाइल के ऊपर बात करते करते समय गाड़ी चला रहे हैं, हमारे को सिग्नल के ऊपर पीछे खड़ा रहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का जो है उसके ऊपर गाड़ी लगा रहे हैं, लोगों को चलने के लिए दिक्कतें हो रही है, सिग्नल चालू होने के पहले ही गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसलिए लोगों को अवेयर होना चाहिए, होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पुलिस लोगों की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन सारे लोगों की जिम्मेदारी जब लोग मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना देश अपना सिटी ये बिल्कुल अपघात मुक्त होगा, और उसके लिए जन जागृति करना हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों के सामने हमारे कॉलेज के एकेडमिक के सिवा भी ये भी चीज़ करना चाहते हैं, और इस उद्देश्य के हेतु आज का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ में मैं चलूँगा हमारे मयूर जो छात्र है और फाइनल ईयर के, और इन्होंने ये जो पथनाट्य अभी हम आपने देखा उसके करता था उनकी टीम है, मैं बात करता हूँ मयूर से। मयूर, क्या प्रेरणा थी आपके इस प्रोग्राम के पीछे? एक्चुअली सर, कैसा है कि ये जो रोड है, मतलब नरेंद्र नगर से तो दिगोरी तक का, तो ये रोड पे मतलब डेली के इतने एक्सीडेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे है कि सिग्नल पर कोई रुकता ही नहीं है। दिगोरी स्क्वायर, मार्गी नगर स्क्वायर, उसके बाद में मानेवाड़ा स्क्वायर, यहाँ पे मतलब कोई रूल्स मतलब फॉलो ही नहीं करता है। मतलब यहाँ से अगर निकले तो बस यहाँ पे बीच में ऐसे, मतलब दो तीन दिन पहले की बात है, यहाँ पे मैं यहाँ से जा रहा था, एक मतलब बहुत एजेंट थे वो काका जी, वो जा रहे थे, तो यहाँ से कोई मतलब एक बहुत जवान लड़का आ गया, स्पीड से आ गया था, तो तभी यहाँ पर आके एकदम वो तो निकल गया लड़का, पर मुझे काका जी है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि 26 जनवरी के दिन अपन कुछ करना चाहिए इसके लिए, तो उसी से मुझे फिर ये दिमाग में लगा कि नहीं अपन यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कल उसको पथनाट्य मतलब बैठाया और आज मैंने यहाँ पे शुरू किया। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, गणतंत्र दिन तो हम सब मनाते हैं, लेकिन सुरक्षा सप्ताह जैसे इन बच्चों ने मनाया, कॉलेज ने मनाया, उसी तरह से हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम कुछ अपनी जिम्मेदारियां समझें। गणतंत्र दिवस के साथ में हम अपने आप में ये प्रण लें कि सुरक्षा सप्ताह के बीच जो सुरक्षा के नियम है, रास्ते सुरक्षा के जो नियम है, हम सब उसका पालन करें। इन बी सी न्यूज़ के साथ में माइकल के साथ में रत्नाकर की रिपोर्ट।